अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया था। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वॉच नहीं किए हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, गो एंड वॉच इट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम नहीं कर रहे क्योंकि वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते इतने। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉलोइंग आर द डेली अर्निंग्स इन रुपीस ऑफ 10 वर्कर्स। ये डेली अर्निंग्स हैं 10 वर्कर्स की और हमें फाइंड करना है अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन हम पिछले क्वेश्चंस में फाइंड करना सीख चुके हैं एंड मोड इस क्वेश्चन में भी सीख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ओवर एन। अब सारी वैल्यूज़ को सम अप करते हैं वन बाय वन। 188 प्लस 170 प्लस 172 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 195 प्लस 181 प्लस 190 प्लस 195 प्लस 190 और ये टोटल वैल्यूज़ हमारे पास है 10। नाउ अब इसे कैलकुलेटर से प्लस करते हैं। 188 प्लस 170 प्लस 172 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 195 प्लस 181 प्लस 190 प्लस 195 प्लस 190। तो ये टोटल हमारे पास आ रहा है 1721 ओवर 10। अब इसे 10 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 172.1। तो लिखते हैं x बार इज इक्वल्स टू 172.1। तो ये हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया। नाउ अब हमें इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीडियन फाइंड करने के लिए सारी वैल्यूज़ को या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। अरेंज द वैल्यूज़ इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू है हमारे पास 115, देन 125, देन 170 एंड देन 172, देन 181, 188, देन 190 एंड 195, बिकॉज ये टू टाइम्स यहाँ पर मेंशन है। नाउ अब इन ये टोटल है हमारे पास 10। क्वेश्चन में गिवन है 10 वर्कर्स की अर्निंग्स गिवन है तो टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 10। अब ये 10 इवन नंबर है तो मीडियन हमारे पास यहाँ पर मीडियन फाइंड करने के लिए इवन का फॉर्मूला लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू 1/2 एंथ अपॉन 2 वैल्यू प्लस एन प्लस 2/2 वैल्यू। ये फॉर्मूला होता है इवन मीडियन फाइंड करने का एंड ऑड के लिए डिफरेंट फार्मूला होता है। तो अब इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जहाँ जहाँ एन आएगा वहाँ पर हम 10 को पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 10th वैल्यू प्लस 10 प्लस 2/2 वैल्यू। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5th वैल्यू प्लस
10 प्लस 2 होता है 12 ओवर 2 वैल्यू। अब 2 1 2 2 7 2 6 12, तो ये हो जाएगा फिफ्थ वैल्यू प्लस सिक्स्थ वैल्यू। अब हमने जो वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था उसमें फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 फिफ्थ वैल्यू ये है एंड सिक्स्थ वैल्यू ये है। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करते तब भी फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू हमारे पास यही रहती। तो अब पुट करते हैं 1 ओवर 2 181 प्लस 188। इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करते हैं, 181 प्लस 188 इक्वल होता है 369 के। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 2 369। 1 को 369 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 369 ओवर 2 हो जाएगा। अब 369 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 184.5 मीडियन इज इक्वल्स टू 184.5। हमने इस क्वेश्चन में से अर्थमेटिक मीन एंड मीडियन फाइंड कर लिया है। ये अर्थमेटिक मीन है एंड ये मीडियन। नाउ अब हमें मोड फाइंड करना है। मोड फाइंड करना बहुत आसान है। बस हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनमें से जो वैल्यूज़ हमारे पास 2 times रिपीट हुई हैं वो मोड है। यहाँ पर हमारे पास 190 एंड 195 2 times रिपीट हो रहा है एज़ यू कैन सी, तो यही हमारे पास मोड है। मोड इज इक्वल्स टू 190 एंड 195 because they are repeating 2 times. I hope guys आप लोगों को arithmetic mean, median and mode find करना आ गया होगा और ये वाला question भी समझ आया होगा। तो video को like कर दो और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। Thank you.